नमस्कार। पीएक प्रथम वर्ष जिसे हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत हमने गहन अध्ययन निष्ठ पाठ होते हैं उनके सामान्य उद्देश्य, सामान्य जो सोपान होते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग विशिष्ट सोपानों की बात करेंगे। कि सामान्य रूप में तो हमने जो चार चरण या सोपानों की बात की थी, अब विशिष्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो चरण है सोपान है, उनको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि गहन अध्ययन निष्ठ पाठ में जो गहन रूप से अध्ययन किया जाता है, प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानते हुए उसमें निहित मुहावरे, लोकोक्ति या फिर कोई कोई शब्द है तो उसमें निहित उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनको इनका पता लगाकर संबंधित अर्थ को जोड़ते हुए उसे स्वीकारना होता है। इस हेतु जो गहन अध्ययन इस पाठ है उसके सोपानों के अंतर्गत भी जो विशिष्ट सोपान है वो सामान्य से कुछ अलग है। इस प्रकार से हम लोग देखते, पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में समानता ही है विशिष्ट सोपान के अंदर। जो पहला सोपान प्रस्तावना, ये प्रस्तावना के अंतर्गत जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों से या तो किसी कहानी के माध्यम से, कोई लोकोक्ति, मुहावरे, कोई पद्य की कोई कविता लेते हुए, या फिर ये कहें कि कोई चित्र या दृश्य ऐसा प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों के समक्ष अपनी विषय वस्तु रखता है। इससे बालकों के अंतर्गत विषय वस्तु के बारे को जानने की एक उत्साह रहता है तथा उसके बाद वो अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बालक जिस विषय वस्तु से अनभिज्ञ है उसको जानने हेतु अध्यापक है पूर्व संबंधित पहले से जानकारी रखने वाले ऐसे प्रश्नों का समावेश करता है, कहीं पे लोगों की मुहावरों का समावेश करता है और अपने विषय वस्तु को सरल और प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास वो करता है। तो प्रस्तावना में प्राथमिक जो पहला सोपान में प्रस्तावना है जो कि सामान्य में भी समान ही होता है। दूसरा है वाचन। वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा स्वयं किया जाता है तथा कतिपय छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि आप इस पाठ का वाचन करें, तो वो अनुकरण वाचन कहलाता है। तो वाचन के दो प्रकार, दूसरी जो स्टैप या सोपान है वो है वाचन, और वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन को लिया जाता है। अगला है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो केवल शब्द को लेते हैं, तो यहाँ पर गहन अध्ययन निष्ठ पाठों के अंतर्गत केवल शब्दार्थ को नहीं लेते हुए विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों को दूर करते हुए एक अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य करवाना होता है। आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना है। तो पहली है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन अथवा क्रिया प्रदर्शन, मतलब कि कठिनाई को दूर करना, कठिनाइयों का निवारण करना। इस हेतु अध्यापक या प्रत्यक्ष वस्तु लाकर बता सकता है या फिर किसी भी क्रिया के द्वारा उन्हें ये बता सकता है कि जो विषय वस्तु है उसमें क्या बताया गया है। तो इस प्रकार से काठिन्य निवारण के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का प्रदर्शन कर सकता है और किसी क्रिया के द्वारा वो बता सकता है। दूसरी बात है व्युत्पत्ति द्वारा, मतलब कि उसकी विशेष उत्पत्ति के बारे में, ये कहें कि विषय वस्तु के अंतर्गत जो कोई विशेष बात बताई गई है उसकी जानकारी देते हुए उन्हें बालकों को वो संतुष्ट करे अध्यापक, जिससे कि जो कठिनाई विषय वस्तु के अंतर्गत है बालकों के लिए वो सरल हो जाए। इसके बाद है वाक्य प्रयोग द्वारा, अध्यापक है विभिन्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके बताए, लेकिन इसमें ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हर शब्द का हम वाक्य बनाकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जहां पर जिस वाक्य के औचित्य लगे उसी का प्रयोग करते हुए, उसी शब्द का प्रयोग करते हैं हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग के द्वारा भी कठिनाई का निवारण कर सकता है अध्यापक। अगला है शब्द खंड द्वारा। शब्द के खंड यानी संधि विच्छेद है
निहित शब्द में समास का सामासिक कोई शब्द है तो उसका विग्रह करके बताते हैं, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ऐसे खंडों के द्वारा भी विषय वस्तु को सरल किया जाता है। क्योंकि वो जो विषय वस्तु को दे रखे वो शब्द है, शब्दों से वाक्य बन है। यदि अगर वाक्य शब्दों में निहित अगर प्रत्यय उपसर्ग को आसानी से बता दिया जाएगा तो विद्यार्थी उसे पढ़ने में भी उन्हें आसानी रहेगी, तब वो समझ भी उनके अंदर विकसित हो जाएगी। इसके बाद है प्रतिलोम कथन। प्रतिलोम कथन, प्रतिलोम कथन से मतलब है कि जो विलोम अर्थ दे रखे हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं, उसके अर्थ को बताते हुए यहाँ पर इस विलोम का प्रयोग किया गया है और उसका जो जो प्रतिलोम दे रखा है या विलोम दे रखा है इसके बारे में सारी जानकारी उन्हें बतानी चाहिए। विलोम शब्द का विलोम क्या होगा या विलोम दे रखा है तो उससे संबंधित शब्द क्या होगा, ये सारी जानकारी एक अध्यापक देगा तो विद्यार्थियों के लिए कठिनाइयों का सरलीकरण हो जाएगा। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द काठिन निवारण के अंतर्गत केवल शब्दार्थ नहीं आते हैं, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान भी एक अध्यापक देता है तो विषय वस्तु के अंतर्गत समझने में आसानी रहती है। कहीं कहीं पर हम शब्दों का, क्योंकि जो शब्द है उसकी जो जटिलता होती है उसको सरलीकरण हेतु हमें अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना होता है जिससे कि बालकों को भाषा सही तरीके से समझ में आ जाए, तो पर्यायवाची शब्दों का शब्दों को समझाते हो। इसके बाद है व्याख्या द्वारा। व्याख्या द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर विषय वस्तु संबंधित व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए अध्यापक को काठिन्य का निवारण करना चाहिए। इसके अलावा अंतर कथा द्वारा। अंतर कथा द्वारा अध्यापक के किसी भी अंतर कथा या जातक कथा के द्वारा भी विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा उदाहरण द्वारा। उदाहरण द्वारा अध्यापक विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु संबंधित उनसे संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास कर सकता है। यहाँ पर उदाहरण है वो विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, अन्यथा बालकों के लिए ये नवीन विषय वस्तु समझने में जितनी कठिनाई हो रही है उतना ही समय उन्हें उदाहरणों को समझने में लग जाएगा। इस हेतु शिक्षक को उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट है पाठ उदाहरणों द्वारा। अब जो हमारा चौथा सोपान है वो है पाठगत विश्लेषण। पाठगत विश्लेषण, पाठगत विश्लेषण के अंतर्गत पाठ में बताई गई जो विषय वस्तु है उससे संबंधित विश्लेषण करते हुए बारीकियों, जब वो इन काठिन्य निवारण को करेगा तो सारी बारीकियों को दूर करता जाएगा। तो वही पाठ में निहित पाठ के अंतर्गत जो विश्लेषण युक्त शब्द हैं जिनका विश्लेषण करके बताना है या फिर जो वाक्य है उनको सरलीकरण करके बताना है तो अध्यापक वो सारा कार्य करेगा। तो अगला सोपान यह है कि पाठगत विश्लेषण को बताते हुए विषय वस्तु को समझाने का अध्यापक प्रयास करें। अब है त्रुत वाचनों दृष्ट पाठ। द्रुत वाचनों दृष्टि, वाचनों दृष्टि गद्य पाठ। द्रुत वाचनों दृष्टि अगर पाठ से हम कहें तो जो गहन अत्यनिष्ठ पाठ होते हैं, मतलब कि जिनको गहराई से समझा जाता है, ऐसे पाठों को सरल बनाने हेतु किसी सहायक पुस्तक का सहारा लिया जाता है। मतलब कि विषय वस्तु को समझने के लिए हम लोग किसी पुस्तक का सहारा ले तथा उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जो हमारी पाठ जिस पाठ को हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारे लिए सरल हो जाए, ऐसे पाठ द्रुत वाचनों दृष्टि पाठ कहलाते हैं। ठीक है, गति अगर द्रुत गति का है तो तेजी से पढ़ना, किसी चीज को रफ्तार से पढ़ना, गहन यानी उनके भाव बोध सबको समझते हुए पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर पाठों की बात हो रही है तो एक तो हमारे सिलेबस में पाठ दे रखा है उस पाठ को समझने के लिए किसी सहायक पुस्तक का सहारा लिया और उस पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए हमने हमारे विषय वस्तु को समझा तो वो द्रुत पाठ कहलाते हैं। आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं। तो गहन अध्ययन के लिए, गहन अध्ययन के लिए, गहन अध्ययन के लिए जो पाठ्य पुस्तकें, जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है उनके प्रत्येक पाठ, उनके प्रत्येक पाठ को बड़ी
बड़ी ही गहनता से अध्यापन किया जाता है। अध्यापन किया जाता है विस्तृत अध्ययन के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए सहायक पुस्तकें निर्धारित की जाती है ऐसी पुस्तकों का द्रुत पाठ किया जाता है। ठीक है ना। अब हमारी जो विषय वस्तु है ये पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है उसको समझने के लिए अगर हम किसी सहायक पुस्तक का सहारा ले रहे हैं, उसके पाठ को पढ़ रहे हैं, तो उसको जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे तो वो द्रुत पाठ कहलाता है, क्योंकि हम लोग पूरी विषय वस्तु को नहीं समझेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने हेतु उसका सहारा ले रहे हैं, तो उसको समझने की जो सहारा में ली गई पुस्तक है वो द्रुत पाठ कहलाएगा। ठीक है। इन पुस्तकों में अध्ययन के लिए प्रत्येक शब्द की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गहन अध्ययन में हम लोग सभी की व्याख्या करके पूर्ण तरह से एक एक शब्द को पर्टिकुलर हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो इन पुस्तकों का अध्ययन विषय का बोध प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। भाषा या कौशलों की ओर शिक्षक विशेष ध्यान नहीं देता। भाई द्रुत पाठ की बात हो रही है, यहाँ पर कोई कौशल को अपनाना नहीं है और कोई भी भाषा के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि हमें फटाफट पढ़ते हुए हमारी विषय वस्तु को समझना है और ये सहायक पाठ है तो इसके माध्यम से हमें समझना, तो इसको ऐसा नहीं किसी गति ध्यान रखो यति गति आरोह अवरोह या विशेष ध्यान देना, नहीं, केवल इसे हमें हमारी विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए पढ़ना है तो उस प्रकार से उसे ध्यान देना होता है। गहन अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की सहायक पुस्तकें द्रुत पठन के लिए निर्धारित होती है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक जो इनकी जो सहायक पुस्तक जो विषय वस्तु गहन अध्ययनिष्ठ पुस्तकें होती है उनके लिए सहायक रूप में द्रुत पाठ की जो पुस्तकें वो निर्धारित होती है। हम देखते हैं संदर्भ के रूप में हम विषय वस्तु को जो दिया होता है कॉन्सेप्ट दिया होता है उसको समझने हेतु वहां पर संदर्भ पुस्तकों का नाम भी लिखा होता है जिससे कि जिसका सहारा लेते हैं विषय वस्तु को समझ सके, तो इस प्रकार से उसको समझने के लिए द्रुत पाठ किया जाता है। अब है इसकी उपयोगिता। गद्य पाठ है उसकी उपयोगिता क्या है, तो पहली है अल्प समय में अधिक विषय सामग्री का अधिगम। पहली जो उपयोगिता है वो कम समय में अधिक विषय सामग्री को जानने हेतु ये द्रुत पाठ किए जाते हैं। दूसरा है स्वाध्याय का अभ्यास
अभ्यास। जब बालकों के अंतर्गत दुग्ध पाठ पढ़ने का विकास हो जाता है तब वे स्वाध्याय के प्रति अग्रसर होते हैं और स्वाध्याय का अभ्यास उनके अंदर विकसित होता रहता है, क्योंकि खुद पढ़कर विषय वस्तु को सरल बनाना है अन्य पुस्तकों के सहारे, तो यहाँ पर आकर उन्हें स्वाध्याय का अभ्यास होने लगता है। और लास्ट है भाषाई तत्वों का ज्ञान। भाषाई तत्वों का ज्ञान, जब जो गहन अध्ययन निष्ठ पाठ को पढ़ने हेतु इन पाठों का सहारा लिया जाता है तो विषय सामग्री को समझने हेतु भाषा संबंधित ध्वनियां है, उपसर्ग है, समास है, व्याकरणिक जो पक्ष है, उच्चारण, इनको विशेष ध्यान रखना होता है, तो भाषा तत्वों को ज्ञान प्राप्त करने में भी उपयोगी होते हैं। अब है गहन अध्ययन द्रुत वाचन दृष्टि पाठ के उद्देश्य, इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो आइए हम लोग उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। उद्देश्य है, पहला है पाठों के सारांश, पाठों के सारांश समझने की दृष्टि, सारांश समझने की शक्ति विकसित करना, शक्ति विकसित करना। पहला उद्देश्य है कि कोई भी जो गहन अध्ययन पाठ है उसको समझने या उसके सारांश को याद करने हेतु उसकी शक्ति का विकास करने के उद्देश्य से द्रुत पाठ किए जाते हैं। दूसरा है सीखी हुई शब्दावली का, सीखी हुई शब्दावली का अभ्यास करना, क्योंकि हम दुग्ध पाठ्य को एक बार अध्यापक ने पढ़ा दिया, विद्यार्थी क्या करेंगे फिर बाद में उसको समझने के लिए दुग्ध गति से पढ़ेंगे, तीव्र गति से उसको पढ़ेंगे, दुग्ध गति है वो जो सीखी हुई शब्दावली है उसको अभ्यास करने के लिए काम में ली जाती है। अगला है शीघ्रता से अर्थ ग्रहण, शीघ्रता से अर्थ ग्रहण की शक्ति का विकास करना, मतलब कि जो शीघ्र अतिशीघ्र जो चीजें अर्थ ग्रहण करने योग्य है उस शक्ति का विकास करने, क्योंकि दुर्ग पढ़ाव पढ़ेंगे एक बार अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमें गंभीरता से पढ़ना होगा, एक बार ही हम पढ़ सकते हैं, लेकिन दुर्ग से पढ़ेंगे तो 3 से 4 बार हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बार बार पढ़ने से उसके अर्थ को समझने लगता है बालक, तो इससे अर्थ ग्रहण की शक्ति का विकास होता है। फिर है कम समय में अधिक विषय वस्तु को जानना, इतनी बात है गति तीव्र है तो शीघ्र यथाशीघ्र विषय वस्तु को जानना और अधिक विषय वस्तु को जानने में ये सहायक होती है। अगला है मौन वाचन को अवसर देना। हम गहन अध्ययन हेतु द्रुत पाठ करते हैं, इस हेतु हम विभिन्न प्रकार के सहायक पुस्तकों को पढ़ते हैं, अब उसे चिल्ला चिल्ला कर तो पढ़ सकते नहीं है, इस हेतु मौन वाचन किया जाता है और फटाफट उसे जो नेत्रों की दृष्टि से प्राप्त उसे पढ़ा जाता है, ठीक है, तो मौन वाचन के अवसर इसे प्राप्त होते हैं। फिर अगला है स्वतंत्र अध्ययन को अवसर देना। द्रुत पाठों का उद्देश्य होता है स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना तथा उसके अर्थ को समझना, तो स्वतंत्र यहाँ पर क्योंकि द्रुत पाठ करने हेतु मौन वाचन कभी अवसर दे क्योंकि सारी पुस्तकों का सारा लेते हो, हम एक किसी को एक पुस्तक से सारी विषय वस्तु जान सकती है, कोई 2 पुस्तकों को सहारा लेगा, कोई अलग अलग पुस्तकों में सभी विषय वस्तु को जानने का प्रयास करेगा, तो वहां पर जो स्वतंत्र अध्ययन मतलब कि अपने अनुसार हम किस प्रकार से समझ रहे हैं उस प्रकार से हम विषय वस्तु को जानने हेतु द्रुत पाठ करते हैं, तो स्वतंत्र अध्ययन को आगे बढ़ाता है। फिर है भाषा तथा साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, जो द्रुत पाठ है उनसे बालकों के अंतर्गत साहित्य और भाषा के प्रति रुचि जागृत होती है, ठीक है। अब आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें, क्योंकि हमारा ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, इसे आप एक निबंधात्मक उत्तर के रूप में लिखकर आएंगे, तो प्रश्न लिखें द्रुत वाचनों
दृष्टि गद्य पाठ को समझाते हुए इसकी उपयोगिता तथा उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका गृह कार्य प्रश्न है जिसे अनिवार्य रूप से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, बाहर निकलते तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथों को ज्यादा सैनिटाइज करते रहें। सोशल डिस्टेंस रखते हैं।